लूट के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। देवास सिविल लाइन थाने के अंतर्गत 22 अप्रैल को बैडमिंटन के कोच दिलीप महाजन के साथ हुई लूट का पर्दाफाश। देवास पुलिस और क्राइम टीम द्वारा महज 48 घंटों के अंदर पर्दाफाश किया गया। वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पकड़े गए आरोपियों में शाहरुख उर्फ मोटा पिता सलीम 25 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा नगर इटावा, मनोज पिता सुभाष बोडाना उम्र 19 वर्ष निवासी चाणक्यपुरी, विक्रम उर्फ विकी पिता प्रेम सिंह कुशवा 24 वर्ष निवासी महादेव मंदिर के पीछे इटावा व शुभम पिता सुरेश रघुवंशी 19 वर्ष निवासी राम मंदिर के पास इटावा शामिल है, जिनके पास से 5400 रुपये नकद और चोरी गया ओप्पो कंपनी का मोबाइल जब्त किया गया। इस घटना के खुलासे में एसपी चंद्रशेखर सोलंकी, एडिशनल एसपी जगदीश डावर, सीएसपी अनिल सिंह राठौर के मार्गदर्शन में सिविल लाइन टीआई एसपीएस राघव व थाना पुलिस के साथ क्राइम टीम के मनोज पटेल, शकील कुरैशी, सुनील देतलिया, शैलेंद्र सिंह राणा की मुख्य भूमिका रही है। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। बालचंद महाजन जो देवास के बैडमिंटन के कोच है और उन्होंने ओलंपियन और अच्छे खिलाड़ी भी तैयार किए हैं, वो अपनी पेटना गाड़ी से सिद्धिविनायक महेश्वरी पंप जो है सिद्धिविनायक के पास, वहाँ से पेट्रोल भरा कर आ रहे थे। तो उनसे यहाँ पर पुलिया के पहले जो विनायक गली जाती है उसके कोने पर तीन बदमाश पीछे से आए पल्सर गाड़ी से और उन्होंने उनको रोक कर उनको ये जो ये खड़ा है ये आदमी था इसमें इससे उसको पहले उनको मारा गानों को मार के उससे करीब 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच वाले उनके जेब में थे ओप्पो का मोबाइल वो लूट कर ले गए थे। रात भर वो काफ़ी उस दहशत में रहे, सिर्फ उनकी रिपोर्ट हुई तो रिपोर्ट पर भी उन्होंने 394 गाना सिविल लाइन में प्रकरण पंजीबद्ध किया और माहेश्वरी पेट्रोल पंप से हमने उसकी चौरासी तलाश स्टार्ट की। निरीक्षक का सदर के साथ निर्देशन में उस काम को टीमों को क्राइम की और सिविल लाइन की टीमों का रवाना किया। उसमें से 3 संदिग्ध सूर्य के आधार पर पकड़े, उसमें एक का नाम शाहरुख, मनोज और विक्रम तीनों आरोपी थे। शाहरुख के खिलाफ जो निगरानी बदमाश भी 12-14 अपराध हैं, मनोज के खिलाफ भी बावड़े थाने में अपराध है। इन तीनों ने उस अपराध को करना कबूल किया। जो ओप्पो का मोबाइल है वो शुभम रघुवंशी नाम के आरोपी को जिना बताया जो उससे बरामद किया। ये घटना 3 से 4 घंटे में के प्रयास में लगातार पीछे पड़ के तलाशी करके और बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। जो दिलीप जी हैं वो उनके बारे में आप सब जानते होंगे बेहतर तरीके से, क्रिकेट के अच्छे कोच हैं, उज्जैन और देवास में कोचिंग कराते हैं, कई खिलाड़ियों उन्होंने तैयार भी किए और इस घटना के जो मुख्य आरोपी शाहरुख वो एक दिन पहले ही जेल से छूट के आया था और उसने इस कार्रवाई का घटना को अंजाम दिया। लूट के आरोपियों को पकड़े जाने पर कोई इनाम वगैरह की घोषणा भी की गई है? सर सिंह महोदय ने कहा है कि जो टीम ने अच्छा काम किया है, त्वरित काम किया, उसके लिए उचित पारितोषिक दिया। थैंक यू सर।